हेलो दोस्तों, मैं हनी चौधरी। आप जो ये देख रहे हैं ये ग्राफ्टिंग फ्रेम है। ये मैंने परसों ग्राफ्ट किया था और ग्राफ्टिंग करने के जब हम तीसरे दिन देखते हैं तो ये इस तरह की कंडीशन हो जाती है। मधुमक्खियों ने इसको जो है ऊपर को डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो ये पहचान होती है कि हमारा जो हमने लार्वा ग्राफ्ट किया था वो सक्सेस हो गया है। उसके बाद ये मधुमक्खियाँ इनको फीड कराने के लिए इसके अंदर उलझेली डालना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरा अंदर ले जाकर। इन्होंने जो है ना इसके अंदर ढंग से देख नहीं पा रहा, लेकिन इनके अंदर सभी के अंदर लार्वा है और काफ़ी अच्छी रोल जाली इन्होंने इनके अंदर फीड कराना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये पहचान होती है। अब इसका आप साइज देखिए, अभी 3 दिन का है। जब ये पूरा साइज पूरा डेवलप होगा तो इसका साइज क्या होगा और क्वीन का साइज क्या होगा। इस तरह की क्वीन है केवल या तो स्वार्मिंग के समय बनती हैं या ये ग्राफ्टिंग से बनती हैं। जो आपका वैसा तरीका है डिवीजन निकाल के नेचुरल क्वीन बनने का बिल्कुल रॉन्ग प्रोसीजर है। उससे केवल मधुमक्खियों की गुणवत्ता ख़राब कर रहे हैं और यही कारण है कि आज के समय में जो मधुमक्खियों के साथ जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का मतलब वजह बन गई है कि हमारी छोटी छोटी कमियाँ आज हमें परेशान कर रही हैं। तो ये तरीका है साथियों।